सवाल कर रहे हैं कि क्या गोद्स को कोई कम दे जाए क्वांटिटी में, कि हम घर के 4 लोग हों, उसको मालूम है कि 4 लोग हैं और उसको फिर वो 100 ग्राम दे जा रहा है, जबकि कम से कम जो है 500 ग्राम तो चाहिए उनके लिए, तो फिर उसका क्या मसला है? देखिए इसके अंदर एक मसला ये भी आता है, इसके अंदर लोग इसमें जो कहा जाता है कि इसके 3 हिस्से किए जाएँ, हालांकि इसकी कोई दलील नहीं है 3 हिस्से की, कि जानवर के कितने हिस्से किए जाएँ। तो इसमें कहा जाता है कि 3 हिस्से करो, एक खुद के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, एक गरीब के लिए। तो इसके अंदर कैद नहीं है, कैद नहीं की गई। हाँ कुरान में अल्लाह ने कहा, कुरान में अल्लाह ने जो कहा ना, उसके अंदर खुद खाओ और खिलाओ और गरीबों को भी तकसीम भी करो। तो उसके अंदर से वो कुछ उलमाओं ने निकाला कि भाई 3 हिस्से करना चाहिए। तो 3 हिस्से जो है इसके अंदर, ऐसा जरूरी नहीं कि 3 हिस्से करो, क्योंकि 3 हिस्से अगर हम करने जाएंगे तो कोई आदमी, अब मान लो किसी ने अकेले ने एक बड़ा जानवर जिबा कर दिया, अकेले ने कुर्बानी कर दी, अब वो कितना बना उसके अंदर 80 किलो, अब उसके 3 हिस्से करें तो उसके हिस्से में कितना आ गया, 27-28 किलो अकेला खा सकेगा, पूरे घर वाले 4 जने तो नहीं है। तो इसके अंदर हम फिर क्या उस पर कैद लगाएंगे कि भाई तू तेरा खा, उस बाकी जो रिश्तेदारों में बैठ बात है, तो ऐसा नहीं है। वो चाहे तो कोई आदमी चाहे नहीं खाता, कोई आदमी खाता ही नहीं, पसंद नहीं करता, लेकिन कुर्बानी करना चाहता है, कुर्बानी के पूरा तकसीम करता तो कर सकता है। कैद लगाएंगे तो फिर ये उस पर मसला आ जाए, तो पूरा तकसीम उसको कर सकते हैं। तो देखिए अगर कोई आदमी ऐसा करता है कि उसको मालूम है कि यार इतने लोग इल्म है, उसके बाद में भी इतना कम वो दे जा रहा है, तो हम उसके ऊपर देखिए ना तो उसके ऊपर कोई फर्ज है कि उसको दे, उसकी पसंद है, वो चाहे तो थोड़ा देख सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आदमी अपने अपना सोच कर देता है, बोलते हैं मोहल्ले में गरीब है, उसको मालूम है गरीब है, इनके पास भी नहीं, तो उसने सोचा 100 ग्राम में दे दूँ, 100 ग्राम वो दे देगा, 100 वो दे देगा, 100 वहाँ से आ जाएगा, उसको मालूम है 10 कुर्बानी तो मोहल्ले के अंदर है, सब देंगे तो 1 किलो हो जाएगा उसके पास। तो कुछ लोग ये मेंटेलिटी रट के भी जो है इतना इतना दे जाते हैं, तो आप उनको ये ना सोचें कि भाई क्या आदमी कंजूस खाली जो है जाके तबर्रुक देने आ गया है यहाँ पर, हो सकता है उसकी मेंटेलिटी ये हो, सकता है उसका जानवर छोटा हो सकता है कि उसके पास में रिश्तेदार उसके ज़्यादा हों तो उनको देना चाह रहा हो, या हो सकता है कि आपको लोग ज़्यादा दे जाते हैं, उसको मालूम हो कि यार उनने के रखा हो कि इसके आप यहाँ दे देना, और वो हो सकता है कि वहाँ दूसरी जगह उसके पास में ऐसी बस्ती उनने देख रखी होगी कि वहाँ पर अगर मैं दूंगा ज़्यादा तो बेचारे ज़्यादा गरीब लोग हैं तो वो खा सके। तो आप किसी के ताल्लुक से बदगुमानी नहीं पाल सकते, तो बदगुमानी ना पाले कि इसलिए मालूम होने के बाद में भी इतना सा दे गया, तो आप ये तमाम मसाइल के उसके हो सकते हैं। तो आप अगर इतना है तो आप पूछ सकते हैं भाई कि थोड़ा ज़्यादा दे जाओ, या आपको ज़्यादा देना चाहिए, उनके आता नहीं तो ऐसा भी मसला उसके अंदर हो सकता है। तो इसमें किया जा सकता है, और इसके अंदर इसे गुना वाला काम नहीं, क्योंकि वो देने वाला उसकी चाहे वो जितना दे सकता है उसके अंदर।